2022 का भोजपुरी में बेताज बादशाह कौन? जी हाँ, आप सभी जानना चाहते हैं, हम बताने के लिए उतावले हैं। इस बार ये बेताज बादशाह कोई और नहीं, भोजपुरी के तीन बेहतरीन सिंगर हुए हैं। उनमें से पहला नाम है पवन सिंह, दूसरा है खेसारी लाल यादव और तीसरा है शिल्पी राज। जी हाँ, अगर आप अश्लीलता की बात करेंगे तो भाई बॉलीवुड की फिल्म पठान के गाने बेशर्म को देखने के बाद आज के बाद अश्लीलता की बात भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कोई नहीं कहेगा, क्योंकि भाई जिस तरह का पठान का वो सॉन्ग है और जिस तरह के दीपिका के मूव्स हैं उससे काफ़ी साफ सुथरी आपकी भोजपुरी के गाने हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात अपने टॉपिक पर आते हैं कि 2022 का बेताज बादशाह कौन। तो बगैर लाग लपेट के या बगैर कोई मिश्री घोले हम आपको बता देते हैं कि इस साल का बेताज बादशाह कोई और नहीं, शिल्पी राज है। शिल्पी राज के 1500 गाने आए, 15 में से उनके ज़्यादातर गाने ट्रेंडिंग में रहे। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि तकरीबन 5 से 6 गाने उनके 100 मिलियन पहुंच गए। और वहीं दूसरे स्थान पर हैं हमारे पावर स्टार पवन सिंह के 2 गाने 100 मिलियन क्लब में पहुंचे, एक हरी हरी ओढ़नी जो आज ही 100 मिलियन क्लब में पहुंचा है और दूसरा है लाल घाघरा। इसलिए हम सेकंड पोजीशन पर पवन सिंह को रख रहे हैं, क्योंकि पवन सिंह के और कई 4 ऐसे गाने हैं जो 50 मिलियन प्लस हैं। रही बात थर्ड पर हमने खेसारी को क्यों रखा है, जबकि पायदान तो उनका सेकंड होना चाहिए था, तो आपको बता दें कि इसके पीछे है कॉन्ट्रैक्ट का चक्कर। अगर खेसारी लाल यादव का कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में गाने डिलीट नहीं हुए होते तो खेसारी का स्थान नंबर 1 होता, लेकिन नंबर 3 इसलिए क्योंकि खेसारी के 2 गाने कोको कोला और नथुनिया ने जिस तरह से धूम मचाई है, एक गाना उनका 300 मिलियन पार है तो दूसरा गाना भी सेम उसी रेंज में है। तो आप ये कह सकते हैं कि खेसारी के अगर गाने डिलीट नहीं होते तो खेसारी नंबर 1 की पोजीशन पर होते। लेकिन अगर बात अच्छे गानों की जाए तो यहाँ पर बेताज बादशाह आप पवन सिंह को ही कहेंगे, क्योंकि पवन सिंह ने जिस तरह की गायकी की है, फिर वो चाहे सावन के गीत रहे हों, नवरात्र के गीत रहे हों, उन सभी में उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया है और ये बेंचमार्क इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।